wonder. I'm a young man, I'm a young man. जो होटल है वहाँ पे आए हैं, लोकेशन बहुत अच्छे थे। एक मिनट ले कम और कर दिया। गौर पूछने का काम चालू है, देखो देखो वेदर कुछ इस तरीके से है। आज बहुत मस्त वेदर है, तो यहाँ पे देखो रूही भी आ गई है। तो आज रूही एक वार्ता सुनाने वाली है, तो रूही चलो सुनाओ फटाफट। चुड़ैल था एक लड़की थी, लड़का था, और लड़की ने बेचारा मैं तुझको जावरी रुको चुड़ैल ने किया, तू बिस्किट खा ले और तू मोटा बड़ा हो जाएगा तो मैं खा लूंगी। लड़का ने बिस्किट धूल में छुपा दिया और बाद में लड़की थी और दोनों भाग गए। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर, अलग अलग थोड़ा लोकेशन देखने के लिए। तो मेरे मामा पापा सब लोग, हम सब लोग जा रहे हैं। और मौसम भी देखो आज घटा घोर हो चुका है वापस। पता नहीं ये बारिश रुकेगी कि क्या होगा। कल पूरा दिन धूप रहा, लेकिन आज पूरा दिन अभी लगता है ढप ढप रहेगा और बारिश गिरेगी। तो कोई पता नहीं है कि हम वापस भी आना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा घटा घोर हो गया है। देखो यहाँ पे मेरे पापा सब थोड़ा ठीक कर रहे हैं। अभी हल्दी मस्त लग गई है अभी, इसलिए मस्त पान हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड न्यूज बाद में, पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। बोलो कौन सा गुड न्यूज आप बोल रहे थे, मुझे क्या पता अभी। अच्छा मैं बोल रहा था गुड न्यूज देने वाला हूँ, कुछ आया तो नहीं कुछ। अच्छा वो आएगा अभी भाई, थोड़ा टाइम तो लगो, तुरंत बड़े काम में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा तुम्हें वेटिंग में रखा है, लेकिन जल्दी जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, बाद में सुना ना। हाँ आरोही यहाँ आए, घूमता रहूंगा पूरे ग्राउंड में, तब तक कबूतर नीचे नहीं आएंगे। और ग्राउंड जैसे खाली हो जाएगा ना, फिर टपा टप नीचे आएंगे दाना खाने के लिए। तो ऐसा है भाई, मस्त माहौल है अभी, गीला गीला सा। और मेरी जबूड़ी देखो, सुबह सुबह घूम रहे जबूड़ी मेरी। आरोही पूछ पूछ करती, पूछ पूछ करे छे। गोली छोकरी, नखरा तो बहु आवड़े तने। चकली घूमती रहेगी पूरा दिन। चलिए अभी हम जाते हैं बाहर, थोड़ी देर में मामा सब लोग आ जाएंगे। और कबूतर आप आ जाओ, अभी आपका टाइम हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे किंजल का भाकरी का टाइम। किंजल ये क्या कर रहे हो, हावड़े से कौन ऐसे करता है? रेती बारिश आती है ना तो चली जाती है। हाँ रेती चली जाती है, इसलिए थोड़ा इतनी हल्की फुल्की रहती है। क्या इतनी हल्की फुल्की रहती है? बारिश ज्यादा आती है तो चली जाती है। अच्छा ठीक है, लेवल कर रही हूँ। अच्छा तुम्हारी मनपसंद भाकरी खा ली है सुबह सुबह? अच्छा, पहले भाकरी और बाद में सब काम। सब काम बस, वेरी गुड। और इसका फूट फूट अजय खत्म नहीं हुआ, फूट फूट। तो यहाँ पे माँ जी का गोर पूंजने का काम चालू है। देखो किस तरह माँ जी, एक ही महीना मिलता है पूरे साल में, इसलिए माँ जी जान से पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। तो अभी आए हैं हम पहाड़ी पे मस्त नजारा देखने के लिए। आइए थोड़ा नज़ारा आपको भी दिखाते हैं। मस्त बारिश के टाइम इतना ग्रीनरी हो जाता है, कहीं पर भी जाओ मज़ा ही आता है, इसलिए लोग बारिश में ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग लोकेशन है, हम लोकेशन देखने आए हैं, देखते हैं कैसा लोकेशन है, उसके बाद कुछ वहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे अभी दिमाग में आइडिया नहीं है, लेकिन जो होगा भगवान के साथ रख कर जो भी करेंगे अच्छा होगा। ठीक, देखो जो है वो घर कर गया, इतना ज्यादा केड़ा भी नहीं दिख रहा है। हम हूँ केड़ो देखा है,
वन छे लीलू छम छे भाई। यहाँ पर वन लगाया है सब फार्मर ने, और पतंगिया देखो कितना मस्त उड़ रहा है, अभी मस्त लग रहा है। मजा आ गया, पीछे आगे पीछे सब जगह झरने, नदी, पहाड़, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, एक नंबर है। तो ये भैया बोल रहे ये आप रख लो, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएट करो तो यहाँ पे कुछ अच्छा होगा। आई थिंक सो पत्थर है और बहुत बढ़िया जगह है, तो देखते अभी क्या होता है। भाई ये थोड़ा खाने पीने का प्रबंध कर लिया है, तो अच्छी होटल है वहाँ पे आए हैं, और आसपास में मस्त लोकेशन भी है, मस्त है। तो आइए थोड़ा खाना पीना कर, देख सकते हो मस्त लोकेशन है, मस्त यहाँ पे खाना पीना हो गया, मजा आ गया। यहाँ पे हमारे भूमि बहन लंदन जो रहते ना, वो यहाँ पे घूमने आए थे ना, तब यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे मस्त नेचुरल एटमोसफियर में खाना खाया था, उसको भी बहुत मजा आया था, हमें भी स्पेशली बहुत मजा आ गया। ये सब देख के आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति को थोड़ा बुरा लगता होगा, वो कौन है आप समझ गए होंगे, वो है किंजर। मैं जितना बाहर घूमूंगा फिरूंगा, मतलब उसको जेलसी नहीं होती, लेकिन उसको भी मन करता है ना, मैं भी बाहर जाऊँ घूमूँ, इस तरह कहीं डूंगरा है कहीं, उसको भी मन करता है। लेकिन पूरा दिन बेचारी किचन में कामकाज में रहती है, लेकिन अभी हम उसको घुमाएंगे आसपास में, जो लोकेशन है वो ध्यान में आया है, भैया ने बताया, तो अभी आगे आगे कुछ होगा, तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाले समय में आपको हम डिटेल बताते रहेंगे, मस्ती करवाते रहेंगे। कुछ नया हो रहा है, भगवान का आप सब लोगों का आशीर्वाद है, जिन जिन माझियों का हम अच्छा कर रहे हैं उन माझियों का आशीर्वाद है, हमें भी मिल रहा है, आप सबको मिल रहा है, बस इसी तरह अच्छे काम करते जाएंगे, भगवान हमारे साथ है, तो बस इसी तरह सफ़र चलता रहे, जिससे हम हमारे साथ समाज का, लोगों का, सबका अच्छा हो, हमारा यही ध्येय है। और आगे भी हमारे सारे सब्सक्राइबर हमें एक फैमिली की तरह मानते हैं, तो हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जहाँ पे हमारी वो फैमिली भी इस नेचर के साथ मस्त रहे, कूदे फिदे, उनके बच्चे को भी इस नेचर का मज़ा उठाने को मौका मिले। तो ऐसा रहा आज का दिन, अभी हम चलते चलाला, बादल तो है ज़्यादातर आसपास, पीछे डूंगरा भी मस्त है, ऐसा है। तो चलिए अभी आज का सफ़र हम यहाँ पे लोकेशन देख लिए, आपको भी दिखाया, घर जाके और धमाल मस्ती करते। चलो राजू भाई, हेलो, चलो रमाई गयो है इस कान स्नान कर ले भी ने स्नान तो ना भाई ने कही था। चलिए अभी चलते हैं, ठीक है, चला ले जाने के लिए। तो यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया मस्त झरना जा रहा है, वातावरण बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हो। पानी का बौछार हो चुका है, आप देख सकते हो आगे सारे रोड पानी से भर गए हैं। तो भाई हम सबकी जो अंगारो फेमस हो गई थी उसकी बात कर रहे थे, अंगारो मतलब अंगारो थी, आज भी बारिश का प्रमाण देख सकते हो, रपट झपट रपट झपट जा रहा है अभी। भाई पर अंगारा मैं क्यों नहीं ऐसे અંગારો અમારી થી બહુ યાદગાર થી અભી આમાં હું વાંધો તમને અંગારા ને આમાં હું વાંધો આમાં છે भाई हमें यहाँ पे नेपकिन रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ये देखो अभी पीपी या पानी निकल रहा है ना। भाई गाड़ी में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आया है, अभी देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक लगेगी ना तो इधर से पानी का घोबाड़ आएगा, मतलब पूरा धार होगा। तो यहाँ पे मैंने नेपकिन रखा है और वहाँ पे काका ने रखा है,
तेरे पास चेरी क्या करे थे ढोल रखो एक एक पानी ढोल बंद रहे अल तुम्हारे बाहर पानी भरो था बोले ढोल नहीं क्या करो सो हमने हम तेरे से धारी डैम नु डावणा खोल दन छी ता आई आई बस ये मैं बोल रहा हूं माजू लिया करे हां आई मुझे साथ से तो भाई ये गाड़ी थोड़ी थोड़ी पीपी करती रहती है और काका को गीला करती रहती है आरोही की तरह डायपर फेराऊ पड़ी है डायपर लाऊ जो है बारिश में जाना होता है ना तो गाड़ी लेके जाए या ना जाए ऐसा कुछ हो जाता है। तो अभी काका कोई दूसरी गाड़ी देखते हैं ना काका बोलते ये देखे सामने मुझे दूसरी लेनी है तो अभी काका क्या लेंगे पता नहीं तो काका तुमने जे मजा आवे एक एक करजो फॉर्च्यूनर लेवी से आ ले ले आ हमी बहन गाड़ी लेने पानी पीवा सगवड़ करी पड़े तो ना करी पड़े आज मेरे मामा भी इधर आए थे सार कुंडला से हम सब लोग साथ में गए थे तो अच्छा आज का दिन था हम सब के लिए। जय सोमनारायण। अरे वाह बहुत मस्त लगे छे ने तू तो आरो तू तो बहुत मस्त लगे छे ने। अरे वाह बाय 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 बाय। हम आ गए घर पे और बारिश रिम जिम वापस शुरू हो चुकी है पता नहीं कब खत्म होगी और आज का दिन बहुत ही बढ़िया है खुशखबरी वाला दिन है लेकिन क्या खुशखबरी है वो हम आपको बाद में बताएंगे लेकिन आज जो हुआ है बहुत ही मस्त काम हुआ है आपको आगे आगे बताएंगे क्या क्या हम करते हैं क्या क्या डेवलप होगा क्या क्या कुछ नया होगा। आपके साथ तो हम जुड़े हैं आप हमसे जुड़े हो तो जो भी जानकारी होगी हम देते रहेंगे जैसे काम शुरू होगा ठीक है। पूरा ग्राउंड जो है वापस गीला गीला हो चुका है और पंखी भी देखो पीछे मस्त दाना चढ़ने आ गए चालू बारिश में दाना पानी हो रहा है अभी ये भी उठ गई। तो फ्रेंड्स अभी हम एक ऐसी यूनिक रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो रेसिपी आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी और टाइम से पहले नहीं होती टाइम के बाद नहीं होती तो आप सोच रहे होगे ऐसी कौन सी रेसिपी तो ऐसी रेसिपी भाई विलेज कुकिंग मस्ती में आपको देखने को मिलेगी तो विलेज कुकिंग मस्ती में जाए लेकिन ये शॉर्ट वाला जब आप वीडियो उसमें आएगा तब आपको पता चलेगा कि वो रेसिपी कौन सी है। अब सोचो कि ऐसी कौन सी रेसिपी होगी जिसको टाइम से वो पहले भी नहीं बनाया जा सकता और टाइम के बाद भी उसमें थोड़ा लेट भी हो गया तो भी वो रेसिपी बिगड़ जाएगी जल्दी तो उसके अंदर होता नहीं है तो वो टाइम होता है वो टाइम में वो रेसिपी बनाकर खा लेनी पड़ती है तो उससे पहले कभी नहीं बनती वो रेसिपी और उसके बाद थोड़ा टाइम अगर निकल गया तो रेसिपी का कुछ भी मज़ा नहीं होता उसको फेंक देना पड़ता है। ऐसी अलग कुछ मस्ती वाली रेसिपी हम आपके साथ ला रहे हैं वो विलेज कुकिंग मस्ती में आएगी तो आपको थोड़ा उसमें जाना होगा वेट करना होगा और ये जो टाइटल पे दिया है एज रेट विलेज कुकिंग मस्ती वो क्लिक कीजिए तो आप कूदा का मार के उसमें चले जाओगे ठीक है। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा मज़ा आ गया हम जिस लोकेशन पे गए थे वहाँ पे लोकेशन देखा अपर दिन बहुत ही बढ़िया लोकेशन है उसके ऊपर काम करेंगे कुछ आगे आगे देखते हैं क्या क्या होता है वो आपके सामने हम पेश करेंगे और खास उससे पहले उस माझी का घर बनाना है जो माझी बहुत खराब परिस्थिति में अभी जी रहे तो उस माझी के घर पे पहले हम काम करेंगे उसके बाद सब काम होगा। अभी फिलहाल माझी वो पड़ोसन के घर पे रहते हैं वहाँ पे खाना पीना हमने सेट कर दिया लेकिन जल्दी इस वीक एंड में ये बारिश थम जाए और थोड़ी बहुत धूप निकल जाए उसके बाद हम उस माझी का घर भी बनाना शुरू कर देंगे ठीक है। कल एक बहन का फ़ोन आया बहुत रो रहे थे उस माझी का दुख देख कर वो रो रहे थे बोलो तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो भी डोनेशन दिया है वो सारा डोनेशन हम एक एक ईंट माझी की रखते जाएंगे और उसका नाम बोलते जाएंगे कि हर एक जो जो भी लोगों ने हमें सपोर्ट किया छोटा सा बड़ा सा जो जो भी डोनेशन हमने दिया है उसका हम सबका नाम एक एक ईंट जब माझी का रखेंगे तब हम बोलेंगे डोनेशन दिया है उसका नाम आया ताकि आपको भी पता चले लोगों को प्रेरणा मिले तो मैं सब कुछ करने वाले ठीक है। तो ये बस धूप निकले उसके बाद माझी का घर का काम हम शुरू करेंगे जिस किसी को और डोनेशन देना है इस नंबर के ऊपर खास दे सकते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिस तरह चैरिटेबल ट्रस्ट भी डिस्क्रिप्शन में है तो वहाँ पर भी काम कर सकते हैं वहाँ पर भी अमाउंट डाल सकते हैं ठीक है। माझी के लिए हम ये सब काम करेंगे जो जो भी अमाउंट आएगी सिर्फ और सिर्फ माझी के घर के पीछे हम लगाएंगे ठीक है। माझी को एक अच्छी लाइफ हम देंगे तो चलिए अभी बिना देर किए हम चलते हैं जल्दी से जल्दी उस रेसिपी की तरफ
जो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे किंजल बहुत ही बढ़िया कढ़ी बना रही है, रसदार घटा गोर कढ़ी। कढ़ी पत्ता डाल के मस्त, देखो छोटी छोटी दिखती है ना यहाँ। हाँ, मिर्ची का पेस्ट है। अच्छा, अदरक मिर्ची का पेस्ट, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अरे वाह, आज तो फाइनली गुड न्यूज दे दिया दर्शक। हाँ, गुड न्यूज मिल गया ना। मिल गए, मिल गए। तो फिर अभी तो नहीं बताएंगे सबको, बाद में सब पता चल जाएगा धीरे। हाँ, धीरे धीरे सबको बताएंगे। तो बहुत मजा, जैसे काम होगा ना वैसे बताएंगे, ताकि उनको भी मजा आ जाए, मजा आए। तो फाइनली गुड न्यूज तुम्हें तो मिल गया, बाकी सब लोगों को धीरे धीरे हम बताते रहेंगे। कोई बात नहीं। और यहाँ पे किंजल की शानदार लाजवाब कढ़ी बन रही है भाई, रोटला खाना है ना, रोटला के साथ कढ़ी किंजल की स्पेशल आइटम। किंजल ने इसके अंदर डाला है आलू मिर्ची पेस्ट डाला है। आज हम किंजल कुछ ऐसी स्वीट खाएंगे जो विलेज कुकी मस्ती में मिलेगी, हेल्दी और बहुत यूनिक। हाँ, तो वो बनेगी वो विलेज कुकी मस्ती में देखने को, आप देख लो। हाँ, उसमें मजा आ जाएगा, देख लो ना, अभी आएगा वीडियो आने वाले समय में। तो अभी हम वो बना रहे, तुम कढ़ी बनाओ, उसके बाद हम सब मिल के ये जनादन खाते हैं अभी। चलिए ये कढ़ी बन जाए, तब तक हम चलते हैं। ठीक है, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही बढ़िया बन गया। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। अगर आपको ये वीडियो याद रखना है तो मेरे इस कलरफुल शर्ट से याद रखिएगा, जो हमें बहुत बड़ी गुड न्यूज मिली है। अच्छा एक माहौल मिला है, एक आप समझ गए होंगे, काफी लोग बहुत ज्यादा समझदार है, समझ जाते हैं जल्दी जल्दी कि क्या हो गया है। ठीक है, बहुत दिल से जुड़े हैं ना, इसलिए आपको पता चल जाता है। तो बस इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, काम करते जाएंगे। पहले हम माजी का घर बनाएंगे, हमारा जो फाइनल हुआ है वो कुछ हम आगे आगे बढ़ाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। ठीक है, हर खाना नहीं दर्शक, हर खाना नहीं है, लेकिन उस एडवांस में मत बहुत हर खाओ नहीं। अच्छा, नहीं हर खाएंगे फिर। हरक की खुशी मेरी अकेली की नहीं है ना, सबकी सब है, लेकिन इतनी खुशी भी हरक इतना मतलब नहीं करना चाहिए। ओके, एक मिनट, एक मिनट ले, कम हरक कर दिया हरक को मैंने, कम कर दिया आपने, देखा ना पहले के लोग बोलते हैं ना, पर मैं हरक में था, अभी हरक में आ गया। हरक ओछो माफे कर दी, तो बस ओके ओके। तो फिर मैंने हरक को कंट्रोल कर दिया है, आपको लोगों को आने वाले समय में धीरे धीरे बताएंगे। अभी यहाँ पे कढ़ी जो है उबल रही है, निकल ना जाए वो पहले आप चले जाओ। हाँ, तो अभी हम जाते हैं उस रेसिपी के दौर। रबड़ी हो बाकी, एक बार छाट उड़े, नो उड़े किंजल, रबड़ी जिसे अटले क्या क्या नो उड़े, मोड़ा मोड़ा फरमा मत, ध्यान रखती। चलिए तो किंजल, अब मिलते हैं कल, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। बाय 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 फ्रेंड्स के साथ।